नमस्कार आदाब, फर्स्ट न्यूज सुबह में आपका स्वागत है। बिहार से मुख्य खबरें फटाफट। शेखपुरा से धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। डीआईजी मधु महाराज आज रूटीन चेकअप में शेखपुरा पहुंचकर अनुमंडल पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं दूसरी ओर शेखपुरा जिले के घाटकोसुम्भा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तालाब में डूबने से दो घायल की मौत, एक कावापुरी रहकर। साल का पहला सूर्य ग्रहण बेगूसराय गंगा घाट पर, भक्तों की उम्मीद है। सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जी। सूर्य ग्रहण के बाद झमटिया गंगा धाम में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की। अब खबर विस्तार से। शेखपुरा डीआईजी मनु महाराज आज रूटीन चेकअप में शेखपुरा पहुंचकर अनुमंडल पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही अपराध की भी समीक्षा की। डीआईजी मनु मजराजन ने पुलिस अधिकारी को कई तरह के आदेश भी दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए डीआईजी ने बताया है कि कोरोना जैसी भीषण महामारी के दौरान भी पुलिस ने बेहतर कार्य किया है। वहीं चुनाव की तैयारी की बात पर मीडिया को बताया है कि दल बल सभी पूरी है और भी चुनाव की विशेष तैयारी पुलिस कर रही है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपराध नियंत्रण का कार्य तेजी से करने का निर्देश आए हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय का रूटीन निरीक्षण है डीआईजी को करना, और हम देखना चाह रहे हैं कि क्या है, जायजा लेंगे उसके बाद। सर, चूँकि विधानसभा चुनाव 2-3 महीना में होना है, वैसी स्थिति में क्या तैयारी होगी? तैयारी की जा रही है चुनाव की, और दल बल की भी जो सुरक्षा उसको देखा जा रहा है। अभी महामारी का भी प्रकोप चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कैसे पुलिस को डिप्लॉयमेंट करना है, कैसे पुलिस को भी सुरक्षात्मक रखना है और अपना पुलिस को काम भी करना है, लॉ एंड ऑर्डर भी दुरुस्त रखना है, क्राइम कंट्रोल भी करना है, ऐसी परिस्थिति में सब तैयारी की जा रही है, उसका जायजा लिया जा रहा है। तो चिन्हित अपराधी रहे हैं सर इस जिले का, जो चिन्हित अपराधी रहे हैं बीते दिनों, वैसे चिन्हित अपराधियों पर लगातार कार्रवाई होती रही है, वारंट पूर्ति का निष्पादन होता रहा है। जो कांड इस जिला में हुए हैं उसका उद्भेदन भी हुआ है, नकेल कसी जा रही है और आगे आने वाले समय में भी उस पर ध्यान। शेखपुरा जिले के घाटकोसुम्भा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कोयला गांव में 100 वर्ष की आयु पूरी कर पंचा देवी की मौत बाद दाह संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे बड़हिया निवासी प्रमोद साव का पुत्र नीतीश कुमार का तालाब में नहाने के दौरान डूबकर मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि दाह संस्कार कार्यक्रम के बाद एक ही परिवार के तीन लोग गौरव कुमार, टोनी कुमारी और नीतीश कुमार नदी नहाने के लिए हरोहर नदी गए। अधिक गहराई में जाने के कारण तीनों डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने नदी में छलांग लगाकर तीनों को नदी से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने एक मृत घोषित कर दिया गया, जबकि गौरव कुमार को पावापुरी रेफर किया गया और टोनी कुमारी का इलाज शेखपुरा सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं इस घटना से मृतक के गाँव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। ग्राम कोयला का वासी है, जैसे कि हरहर नदी के किनारे मेरा घर पड़ता है, उसी में नहाने गया था। किनारे में नदी जो किरछा तेज धार था, नदी में डूब गया दोनों। अच्छा, उछलने से डूब गया। अच्छा, ये आपके कौन है जो मतलब? हमारा एक तो भतीजा था, जो कि आज पावापुरी में यहाँ से रेफर कर दिया गया। अच्छा, दोनों मतलब नहा रहे थे, दोनों का आकस्मिक घटना हो गया है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा साहुआ। मृतक बच्चा का क्या नाम? मृतक बच्चा का नीतीश कुमार है। बछवाड़ा बेगूसराय रूस सूर्य ग्रहण के बाद बछवाड़ा के झमटिया गंगा घाट पर रविवार को गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा पाठ करने के बाद गंगा जल लेकर अपने अपने घर को प्रस्थान किए। चंद्र ग्रहण को ले श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण पूरा इलाका भक्तिमय बना रहा। गंगा घाट के मुख्य पुजारी वैजनाथ मिश्र ने बताया कि यहां गंगा स्नान करने के लिए मिथिला क्षेत्र से लेकर अन्य क्षेत्र भक्त आते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई जिले बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा विदेश नेपाल के भी भक्त आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, यहां मन्नत भी पूरी हो जाती है। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को आस्था के आगे कोरोना का कोई भय नहीं देखा गया। सभी लोग एक समूह में खड़े होकर गंगा स्नान कर रहे थे। इस दौरान कोई भी श्रद्धालु शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे। उपस्थित सभी श्रद्धालु अपने अपने निजी वाहन से मिथिलांचल इलाके के प्रसिद्ध झमटिया धाम गंगा घाट पहुंचकर स्नान किए। इसकी वजह से झमटिया घाट पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही।
वहीं श्रद्धालुओं ने दिन भर गंगा स्नान के बाद विभिन्न शिवालय में जलाभिषेक करते हुए अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किया।